हेलो एवरीवन, आई एम पिनल गरासिया फ्रॉम अशोमेघ विद्यालय। आज हम मोरल में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4, नेवर टेल अ लाई। लेट्स स्टार्ट। अंजलि लाइक्स ईटिंग डिफरेंट थिंग्स। अंजलि को तरह तरह का खाना बहुत पसंद है। वन डे हर मदर ब्रॉट अ बैग फुल ऑफ ब्लैकबेरीज फ्रॉम द मार्केट। एक दिन उसकी माँ उसके लिए मतलब सभी के लिए मार्केट से एक बैग भर के ब्लैकबेरीज लाती है। शी कैप्ट दिस ब्लैकबेरीज इन द फ्रिज। और वो ब्लैकबेरीज को फ्रिज में रखती है। हर मदर इंस्ट्रक्टेड हर, अंजलि फॉर गॉड सेक डू नॉट ईट दोज बेरीज, अदरवाइज यू कांट ईट योर डिनर। उनकी माँ अंजलि को इंस्ट्रक्शन देती है, सूचना देती है कि अंजलि भगवान के खातिर जो फ्रिज में बेरीज रखी है उसे मत खाना, नहीं तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। यू कैन ईट देम इन द अर्ली मॉर्निंग बट नॉट नाउ। ये तुम सुबह जल्दी उठ के खा सकती हो लेकिन अभी नहीं। देन शी वेंट टू हर नेबर्स हाउस। बाद में उनकी माँ उनके नेबर के यहाँ पे चली जाती है। बट अंजलि लाइक ब्लैक बेरीज अलॉट एंड शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग दोज बेरीज। लेकिन क्या होता है, अंजलि को ब्लैकबेरीज बहुत पसंद होती है और वो अपने आप को ब्लैकबेरीज खाने से रोक नहीं पाती है। सी साइलेंटली एंटर इनटू द किचन। वो चुपके से किचन में एंटर करती है। ओपन द फ्रिज। फ्रिज को खोलती है एंड एट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ब्लैकबेरीज। और वो ब्लैकबेरीज जो उनकी माँ फुल बैग भर के लाई थी उनमें से आधी खा जाती है। When her mother came back from her neighbor's house, उनकी माँ जब neighbor's के हाउस से घर पे वापस आती है, she noticed to her surprise that at least half of the blackberries were not in the bag. वो देखती है कि blackberries की आधी थैली यानी कि आधी blackberries खत्म हो चुकी है। She understood very clearly what had happened. उसे उनकी माँ को पता चल जाता है कि क्या हुआ होगा। At the dinner time पे हर मदर सेड, उनकी माँ कहती है, आई हैड ब्रॉट अ बैग फुल ऑफ ब्लैकबेरीज फ्रॉम द मार्केट इन इवनिंग। मैं शाम को फुल बैग भर के ब्लैकबेरीज मार्केट से लाई थी। बट दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर रिंग मी आफ्टर हाफ एन आवर एंड सेड दैट मिस्टेकनली ही हैड सोल्ड अ बैग फुल ऑफ ओल्ड एंड रोटन ब्लैकबेरीज। और फिर जब वो उस मार्केट से आ जाती है और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद, शॉपकीपर का उन्हें फोन आता है कि वो बताता है शॉपकीपर बताता है कि उन्होंने गलती से बैग में जो ब्लैकबेरीज दी थी वो खराब हो गई थी और वो पुरानी है। एंड ही टोल्ड मी दैट ही वुड सेंड फ्रेश ब्लैकबेरीज टुमारो। और उन्होंने बताया कि आपको मैं फ्रेश ब्लैकबेरीज वापस टुमारो भेजूंगा। Then she asked her both the children, फिर वो अपने दोनों बच्चों को पूछती है, Who had eaten those blackberries that she had kept in the fridge? उन्होंने जो फ्रिज में ब्लैकबेरीज रखी थी वो आप दोनों में से किसने खाई है? हर सन मोहन सेड, उनका जो बेटा है मोहन, वो बताता है, नो आई डिड नॉट इट मॉम, मम्मा मैंने वो नहीं खाई। अंजलि ऑल्सो सेड, नेदर डिड आई ईट दोस ब्लैकबेरीज। और अंजलि भी बताती है कि नहीं, मैंने भी मम्मा वो ब्लैकबेरीज नहीं खाई। अंजलि मम्मा से झूठ बोलती है। वेल दैट्स वेरी नाइस, मम्मा कहती है, चलो तभी तो बहुत अच्छा है। रिप्लाइड देयर मदर एंड सेड, उन्होंने ये बताया और उन्होंने कहा, इफ यू हैड ईटन देम, अगर आप लोगों ने खाई है, यू माइट हैव सीरियसली फॉलन इल।
अगर आप लोगों ने ये खाई है, ब्लैकबेरीज खराब हो गई है, पुरानी है, अगर वो आप लोगों ने खाई है तो आप बड़ी बुरी तरह से आप बीमार पड़ोगे। नाउ अंजलि बिकेम वेरी स्कैर्ड। अब अंजलि को बहुत डर लग रहा होता है। नेक्स्ट डे सी हैड टू गो ऑन अ स्कूल पिकनिक, क्योंकि नेक्स्ट डे जो उन्हों अंजलि को स्कूल की पिकनिक में जाना होता है। सी थॉट टू हरसेल्फ दैट इफ शी फॉल इल, हाउ वुड शी गो टू द स्कूल पिकनिक द नेक्स्ट डे। अगर वो सोचती है अगर वो बीमार हो जाएगी तो स्कूल की जो पिकनिक है, नेक्स्ट डे जो स्कूल की पिकनिक है, वहां पे कैसे जा पाएगी। देन सी डिसाइडेड टू स्पीक द ट्रूथ, फिर वो डिसाइड करती है कि वो सच बोल देगी। एंड टोल्ड हर मदर ऑनेस्टली दैट सी हैड ईटन दोज ब्लैकबेरीज। वो सोचती है कि मैं मम्मा को सच सच बता दूंगी, सीरियसली ऑनेस्टली, कि जो ब्लैकबेरीज थी वो मैंने खाई है। मॉम आई एम वेरी सॉरी, वो बताती है अपनी मम्मा को, मम्मा आई एम सॉरी, आई टोल्ड अ लाई, मैंने आपको झूठ बोला। एज आई एट दोज ब्लैकबेरीज, मैंने आपको झूठ बोला कि मैंने आई एम सॉरी, मैंने आपको झूठ बोला, लेकिन वो ब्लैकबेरीज मैंने खाई है। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, तो प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा। प्लीज गॉट सम मेडिसिन फॉर मी एज आई डोंट वॉन्ट टू फॉल सिक, प्लीज आप मुझे दवाइयाँ दो ताकि मैं बीमार ना पड़ू, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई स्कूल पिकनिक इन एनी केस, मैं मेरी स्कूल की पिकनिक है वो किसी भी तरह मिस करना नहीं चाहती हूँ। हर मदर लाफ लाफ्ट हार्टली एंड सेड, उनकी मम्मा बहुत हंसती है और बताती है, यू वुड नॉट फॉल इल, आप बीमार नहीं पड़ोगे अंजलि। आई सेड दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नेवर टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर, मैंने आपको ये सब इसलिए कहा क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर्स से झूठ नहीं बोले। नाउ प्रॉमिस मी दैट यू विल नेदर डिसोबे नॉर टेल अ लाई टू योर एल्डर्स, आप अपने आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने नेबर की हर बात मानोगे और उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। अंजलि अश्योर्ड, अंजलि ने कहा, आई प्रॉमिस यू मॉम दैट आई विल नेवर टेल अ लाई इन फ्यूचर, मम्मी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। मोरल, अ टोकन ऑफ रिगार्ड कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन अदर्स फेस। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको घर पे रीड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।